ये हमारे पास 27 अगस्त को आशियाना थाने के थ्रू आई थी और आशियाना थाने ने यहाँ शेल्टर होम के लिए रखाया था और उसके बाद हम लोगों ने मजिस्ट्रेट को ऑर्डर करा के इन्हें वृद्धाश्रम में रखा। हम लोगों ने एक 27 अगस्त को आशा ज्योति केंद्र की फेसबुक आईडी पे इनकी फ़ोटो डाली थी कि अगर इनका कोई परिवार लखनऊ में रह रहा है या कोई मित्र इनके देखते हैं, परिवार का कोई भी रिश्तेदार देख रहा हो और उसके इसमें इनके घर का पता चल जाता है। तो कल हमारे फ़ोन पे कॉल आया कि ये हमारी माता जी हैं और आप पता करके बताइए ये कहाँ पर है। हम लोगों ने इसकी फाइल निकलवाई, देखा ये समाज कल्याण विभाग के वृद्धाश्रम में इन्हें रखवाया गया था। इनको आज हम लोगों ने वृद्धाश्रम से अपनी सुपुर्दगी में लिया है और आज परिवार की सुपुर्दगी दे रहे हैं परिवार को। अच्छा, इनकी काउंसलिंग करी है आपने, तो क्या ये इनका कहना था, क्यों बता नहीं पा रही थी अपने घर का पता? ये काफ़ी ट्रॉमा में थी, इनके बड़े बेटे द्वारा इनका मकान कब्जा कर लिया था, इससे काफ़ी सदमे में थी और वो कुछ बताना नहीं चाह रही थी, बहुत दुखी थी, परेशान थी। अभी जब इन्होंने अपने छोटे बेटे को देखा है उस दौरान इन्होंने सब कुछ बताना और बोलना शुरू किया। इसके पहले तो इन्होंने अपना नाम भी नहीं बताया था हमें। तो क्या ये आशा ज्योति की तरफ से क्या मुकदमा लिखा जाएगा क्या कोई इनके बड़े बेटे के खिलाफ? आशा ज्योति केंद्र की तरफ से इनकी दादी से एक हम लोगों ने एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र ले लिया है और प्रार्थना पत्र के थ्रू ही हम इनके बड़े बेटे से बात करेंगे, उनकी काउंसलिंग करेंगे, बातचीत करेंगे। अगर उनको समझ में नहीं आ रहा, आसानी से वो खाली नहीं करते हैं, तो सीनियर सिटीजन एक्ट के थ्रू उनके ऊपर मुकदमा भी करवाया जाएगा। अच्छा, ये दादी अब जो है खुश हैं अपने परिवार से? तो बहुत खुश है, अपने बेटे से मिलकर बहुत खुश है। 4 महीने तक वो परिवार से अलग रही है तो जाहिर सी बात है खुश होंगे।